हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनूप सिंह है और आप देख रहे हैं सिटी चैनल। इस चैनल में सीएनसी मिलिंग एंड टर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा कैनेट साइकिल। इससे पहले कैनेट साइकिल से पहले जितने भी कोड है, जी कोड, सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो गए हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद भी कोई ऐसा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कैनेट साइकिल, उसके ऊपर पढ़ेंगे। देखिए, कैनेट साइकिल का हम यूज करते हैं, ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम एक हमें सारी चीज का अलग अलग फॉर्मेट मिल जाता है, ड्रिलिंग के लिए, टेपिंग के लिए, बोरिंग के लिए। तो ये जो हमारा ये जैसे इसमें क्या क्या होता है, देखिए, ये सिंपल ड्रिलिंग होता है, पैक ड्रिलिंग होता है, टेपिंग होता है, लेफ्ट राइट दोनों होता है, बोरिंग होता है, ठीक है। तो ये इसमें इसकी फॉर्मेट बनी होती है, हमको कुछ ज्यादा नहीं करना होता, बस खाली फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट और फॉर्मेट का यूज करके मैं अच्छे से मशीनिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए कैनेट साइकिल का यूज हम करते हैं, ठीक है। इसका कैनेट साइकिल का कैंसिल जो कमांड है GSC है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डालना जरूरी होता है कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, इसका कुछ फॉर्मेट इस प्रकार से, इसमें G90 और G91 एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल इसका भी यूज होता है, और G98 और G99 इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें इनिशियल पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट या आर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये जी होता है, जी कोड होता है जो हमारा कैनेट साइकिल का होता है, एक्स होता है, देखिए यहां पे सारा चीज लिखा हुआ है। G98 ये होता है इनिशियल लेवल रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, और ये G99 होता है ई रेफरेंस या आर पॉइंट लेवल रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, और ये जो जी है ये यहां है जी कोड है जो G73 से G89 जितनी कैनेट साइकिल है वहां इस पॉइंट पे इसका यूज किया जाता है। और इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कौन सा कोड का क्या मतलब है। और ये XYZ एक्स जो होता है ये होल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, होल के पोजीशन देने के लिए, वाई का भी होल के पोजीशन देने के लिए यूज किया जाता है, और जेड का भी होल का बॉटम लेवल मतलब डेप्थ में कितना जाना है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये होता है आर पॉइंट, जो अभी आपको मैं बताऊंगा आर पॉइंट इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट दोनों में किस तरह काम करता है, G90-91 के बारे में आपको ये इसमें किस तरह R की वैल्यू काम करता है, क्योंकि एब्सोल्यूट में R की लेवल कुछ अलग होती है और इंक्रीमेंटल में R की लेवल कुछ अलग होती है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा इसके बाद। और इसके बारे में भी बताऊंगा कि G98 और G99 किस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा क्यू डेप्थ ऑफ कट, ये हमारा इंक्रीमेंटल डाटा होता है, एक बार जितना कट ले लिया फिर उसके बाद भी उतना ही कट लेगा, ठीक है। तो उसके बाद लेगा जहां से कट ले चुका है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फीड रेट होता है एफ से, ये पी हमारा ड्वेल टाइम होता है, कितना सेकंड रुकना है होल में उसके लिए यूज किया जाता है, और ये रिपीटेड टाइम एल के यूज किया जाता है, एल की जगह पे बहुत मशीन में के भी यूज होता है, एल और के, ये कितने बार हमें रिपीट करना है, कितने टाइम उसको रिपीट करना है प्रोग्राम को, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे, अगर इसमें भी कोई अगर डाउट है तो बताइएगा। मैं इसके आगे आपको मैं ये G90 और G91 दोनों का अभी मैं बताऊंगा कि इसमें R का जो पॉइंट होता है वो किस तरह काम करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं,
हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था। तो डायग्राम बनाने में टाइम लग जाता, बट अब आपके सामने डायग्राम है। ये हमारा जो आर पॉइंट है, ठीक है, जो ये आर पॉइंट है, आर पॉइंट के लिए ये वीडियो है। इसमें चलिए आपको आर पॉइंट में एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल को कैसे डाला जाता है उसके ऊपर बता रहा हूं आपको। और मैंने बीच में वीडियो पॉज कर दिया था क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें एब्सोल्यूट को G90 और इंक्रीमेंटल को G91, आप लोग जानते हैं इस तरह इसका यूज किया जाता है। तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, एब्सोल्यूट का और इंक्रीमेंटल का। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये टूल है, जैसे हम टूल का रेफरेंस करते हैं XYZ, तो ये जेड पोजीशन पर रेफरेंस मोड में खड़ा है टूल, ठीक है। इसी लेवल को कहते हैं इनिशियल लेवल, ठीक है, इसी लेवल को इनिशियल लेवल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वर्क पीस है ये, और ये इसका जेड का लिमिट, ये कोई होल करना है, होल का डेप्थ इतना है, तो हमारा ये क्या है, ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। यहां पे हमारा क्या हुआ है, मशीन का जो पोजीशन है ये जीरो है। इस पॉइंट पे मैंने जेड का ऑफसेट जीरो लिया है, ये वर्क पीस के ऊपर, ठीक है। और इसमें जैसे जब एब्सोल्यूट डालेंगे, जब हम कैनेट साइकिल का यूज करेंगे, उसमें जब हम G90 का यूज करेंगे, उसमें क्या होगा, मान लीजिए G73 में हम यूज कर रहे हैं, एक्स कुछ भी है, वाई जेड 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 मान लीजिए, यहां तो कुछ माने नहीं है, और इसमें आपको आर क्यू और एल, ठीक है, ये फॉर्मेट है। अगर मैं G90 लगा रहा हूं उसके लिए इस चीज को फॉलो होगा, अगर G91 होगा यहां पे, तो इस केस में इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए यहां अगर हमने जी जीरो कर लिया है इस पॉइंट पे, ठीक है, उसके बाद हमें जेड नीचे जाना है, तो इसमें क्या होता है कि आर पॉइंट को रिट्रैक्ट पॉइंट भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी, ठीक है। जो इनिशियल है, इसमें हमारा जो जेड लेगा, जेड की जो हम डेप्थ यहां डालेंगे, मान लीजिए ये 50 है, तो 50 यहां से काउंट करेगा, ठीक है, सरफेस से, ठीक है। अगर ये सरफेस से काउंट हो रहा है इसमें 50, अगर यही चीज इसमें जेड 50 है, तो ये हमारा आर पॉइंट रिट्रैक्शन पॉइंट जहां डालिएगा, मान लीजिए ये आर रिट्रैक्शन पॉइंट की हाइट सरफेस से 5 mm है, तो हमारा जेड यहां से 50 पड़ेगा ये, ठीक है। इसमें जेड की हाइट यहां से पड़ती है और रिट्रैक्शन ये पड़ता है इसमें, ठीक है, इसको नहीं पड़ता है ये, इसमें रिट्रैक्शन ये होती है, जहां इसका मतलब रिट्रैक्शन डाला उसके बाद जो इनिशियल पॉइंट होती है उसका वो रिट्रैक्शन होता है। बट इसमें क्या होता है कि रिट्रैक्शन होता है जो हम यहां आर की वैल्यू में डालेंगे, ठीक है, तो हमारा सरफेस से ऊपर पड़ता है और ये हमारा इनिशियल होता है, ठीक है। इसमें एन डिफरेंस है, जेड की वैल्यू में कम बेस हो जाता है, ठीक है, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में। तो ये चीज को ध्यान रखा जाएगा, नहीं तो क्या होगा, डेप्थ कम ज्यादा बन जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको, अब उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं G98 और G99 में इंक्रीम आर पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, जरूर आपको हेल्प की जाएगी। तो चलिए मैं आपको G98 और 99 बता रहा हूं, इसमें देख लेते हैं हम, ये
G98 और ये G99 के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट के लिए यूज होता है। ये हमारा आर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो G99 और G98 के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें भी सेम है, इसमें है क्या है कि अगर हम G98 यूज करेंगे इसके साथ, ठीक है, G98 G73, तो इसमें क्या होगा कि G98 यूज करेंगे इसके साथ तो हमारा जो टूल है, मतलब जितनी ड्रिलिंग करेगा, मान लीजिए इसमें 5 होल है तो एक होल को ड्रिल करके फिर ये अपने इनिशियल पॉइंट यानी रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी टूल का पोजीशन लेगा और उस टूल पे पहुंचेगा। सपोज दैट, मान लीजिए ये 5 टूल है, एक टूल का इसका ऑपरेशन करके इस लेवल तक आएगा नीचे से ऊपर, फिर उसके बाद इसका एक्स वाई के कोऑर्डिनेट रीड करेगा, उसके बाद फिर इसको बनाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो इसमें क्या होता है कि साइकिल टाइम ज्यादा हो जाता है, बट कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं वहां हमको इसको यूज करना पड़ता है। मान लीजिए कि एक स्लॉट बनानी है, स्लॉट बनानी है और उसको मेरे को इनिशियल तक उठाना ही है, क्योंकि उसको रिट्रैक्ट पॉइंट तक देंगे तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसा वहां पे टूल है या क्लैंप वगैरह है जो फाउल करेगा, उसके लिए हम इसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर जहां हमारा सरफेस स्मूथ है यानी प्लेन है, यानी ये सरफेस प्लेन है, यहाँ पे कोई क्लैंपिंग एरिया ज्यादा नहीं है या कुछ भी, मान लीजिए सिलेंडर वगैरह नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम इसको रिट्रैक्शन देके चला सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा टूल ऑपरेशन कर लेता है उसके बाद ये आर पॉइंट तक ही उठता है, मतलब इसका आर का जो भी ये आर होता है, आर पॉइंट होता है, जो कि हमारा ऑफसेट यहां लिया होता है जेड का, इससे इतना ही ऊपर उठेगा। आर की जितनी भी वैल्यू डाल दीजिएगा, मान लीजिए 5 mm डाल दी मैंने, तो ये सरफेस से 5 mm ही ऊपर उठेगा, फिर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट पड़ेगा और वो दूसरे होल पे ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो इसका रोल ये होता है और इसका रोल ये होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा साइकिल टाइम कम हो जाता है इसका यूज करने से, और इसमें साइकिल टाइम थोड़ा बढ़ता है क्योंकि ये अपना इनिशियल पॉइंट तक जाने में जो भी ये टूल यहां से यहां तक ट्रेवल करता है जितना सेकेंड लगता है वो इसमें काउंट हो जाता है, ठीक है। तो यही आज का हमारा वीडियो था। कैनेट साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको G90 और G91 के बारे में बताना जरूरी था कि किस तरह ये यूज होता है, क्योंकि कैनेट साइकिल में सबसे ज्यादा यूज इन्हीं लोग का है, क्योंकि और अंत हमारा कैनेट साइकिल करेगा जितना है। आप 11 कोड इसमें देखिएगा BMC के लिए, तो वो सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके एक एक कैनेट साइकिल पढ़ाऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। और दूसरा बात कि अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, फेसबुक पेज का लिंक है, आप लिंक को लाइक कीजिए, उस पर आप